कॉन्वेंट स्कूलों को हिंदू जागरण मंच की धमकी, हिंदू बच्चों से मनवाया क्रिसमस तो होगा पवार। धमकी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल, हिंदुस्तान में क्रिसमस क्यों कबूल नहीं। जी तो अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक विवादित एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी कॉन्वेंट स्कूलों और ईसाई मिशनरी के स्कूलों को जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू बच्चों से क्रिसमस का त्योहार न मनवाया जाए, यहां तक कि उनसे क्रिसमस से जुड़े किसी तरह के उपहार तक न मंगवाए जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मंच की तरफ से जारी इस एडवाइजरी पर चौतरफा हमला होने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरा मामला समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है और खास तौर से राजनीतिक हलकों में बहस से छिड़ गई है। दरअसल हिंदू जागरण मंच ने अलीगढ़ के सभी कॉन्वेंट स्कूलों साथ ही ईसाई मिशनरी के स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी पत्र के रूप में जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी हिंदू बच्चे से नहीं स्कूल में क्रिसमस मनवाया जाए और न ही किसी तरह का क्रिसमस से जुड़ा उपहार मंगाया जाए। ऐसा करने से धर्म परिवर्तन जैसी संभावना पैदा होती है और अगर ऐसा हुआ तो उसका विरोध किया जाएगा और मुकदमा तक दर्ज कराया जाएगा। उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है कि हमने स्कूलों को भेजा है, उसको देखा है, उसकी जांच के लिए, क्योंकि वो उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं, उसमें क्या ऑफेंस बन रहे हैं, क्योंकि सामान्य तरह के ऑफेंस नहीं है, थाने वाले नहीं बता पा रहे हैं इसको। ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के यहाँ भेजा है और अगर वहाँ से इसमें अपराध की पुष्टि होती है, कौन कौन से अपराध बन रहे हैं, तो उसमें हम तत्काल FIR करके उसमें विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। प्राइमा फेसी कुछ नहीं कर रहे? अब प्राइमा फेसी तो इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनमें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ उन्होंने एडवाइजरी टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन इससे असुरक्षा की भावना बढ़ती है बच्चों के बीच में या कॉलेज। वही हिंदू जागरण मंच द्वारा जारी इस एडवाइजरी पर सियासी गलियारों में भी बहस छिड़ गई है। कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई वकालत। सभी त्योहार अपने अपने धर्म के लोग मनाते हैं, किसी पे कोई रोक नहीं है कि वो अपना त्योहार मनाए या न मनाए, उनके त्योहार में कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति आए या न आए। सरकार की तरफ से व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता कायम है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अभी तक कोई किसी प्रकार का प्रयोजन कभी नहीं रहा। हमारा देश इतना अच्छा है, हमारे देश के लोग इतने अच्छे हैं कि इसको जो त्योहार मिल जाए वो अपना लेते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, खुशी मनाने वाला देश है, एक दूसरे से प्यार करने वाला देश है, एक दूसरे के त्योहार पे एक दूसरे के घर जाकर के मिठाई खाने वाला है। हमारे यहाँ तो क्रिसमस बनता है, आप देखिएगा हजरतगंज में कितना अच्छा क्रिसमस मने, और हम भी मनाते हैं, आप लोग भी मनाते हैं और टीवी पर भी दिखाया जाता है। अगर क्रिसमस नहीं मनेगा तो सोचो टीवी पे क्या दिखाया जाएगा, वो दिन तो टीवी का क्रिसमस के लिए है। ये तो हिंदू जागरण मंच जैसी तंजीमों का मकसद जो सिर्फ है वो यूपी में 2019 से पहले कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देना है। अगर वो इस बात को लेकर, चूंकि और कोई ओकेजन नहीं है, लिहाजा एक्सप्रेस को लेकर ये बात कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि जो एक्सप्रेस है वो एक फेस्टिवल त्यौहार क्रिश्चियंस का है और क्रिश्चियन उसको खुद अपने आप मनाते हैं। अगर कोई उसकी नकल में किसी कॉलेज में उसकी उनके सिलसिले में खुद से कोई कुछ मनाया जाए, जैसे कहीं होगा फेस्टिवल खुद से मुसलमान जैसे कि ईसाई मना लें, तो आप रोक फो सकते हो उसको। कुल मिलाकर सब अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से इस मुद्दे को देख रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्रिसमस पर ही इस तरह की एडवाइजरी क्यों जारी की गई। विविधता में एकता वाले इस देश में जहां सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, जहां ईद दिवाली सब साथ मिलकर मनाई जाती है, यहां क्रिसमस क्यों कबूल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
बिल्कुल, तो क्रिसमस पर इस तरह की एडवाइजरी का क्या मतलब है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से आपका एक बार फिर से तौरफ करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, दीपक सिंह साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से, अशोक सिन्हा साहब संघ विचारक, मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष AIIA, और साथ ही साथ दो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, फादर मॉरिस पादरी हैं और साथ ही साथ अमित वर्मा हिंदू जागरण मंच के महामंत्री हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अमित वर्मा जी, मुझे ये बताइए, ये एडवाइजरी जारी करने की क्या जरूरत पड़ गई सर? किस वजह से एडवाइजरी जारी की गई है? ये एडवाइजरी जारी की गई है भाई साहब कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली देखा जा रहा है कि अलीगढ़ के अंदर कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के विद्यालय हैं, और उन विद्यालयों में जब हम लोग वर्क करते हैं जहाँ हमारे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ उनको अनऑथराइज तरीके से प्रेशर किया जा रहा है कि आपको क्रिसमस ट्री लेके आना है, क्रिसमस सेंटा क्लॉज लेके आना है, और सेंटा क्लॉज के रिगार्डिंग उनकी फीस स्ट्रक्चर भी बढ़ाया गया है और उनको जबरदस्ती फीस के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आपको फीस देनी ही देनी है, अदरवाइज आप इस तरीके से समन्वय नहीं बना पाएंगे। बच्चों में मतलब टॉर्चर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उन लोगों को बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, इसलिए आज इसकी आवश्यकता पड़ी है, अदरवाइज शायद इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। फादर मॉरिस साहब, अमित वर्मा कह रहे हैं कि क्रिश्चियन इन स्कूलों में, इन कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों पर जबरदस्ती ईसाई धर्म थोपा जा रहा है और इस तरीके से उनको बरगलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन की उनको आशंका लग रही है बच्चों के साथ, क्या ऐसा है सर? जी, आप बेहतर जान सकते हैं और मेरे साथ समझ भी सकते हैं, ये मुझे लगता है बेबुनियाद एक सवाल उठाया जा रहा है और इस तरीके से ऐसी कोई बात नहीं। और अगर बात ये वाली है कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेज में बच्चों को जबरन या जबरदस्ती उनसे चीज़ों को मंगाया जा रहा है, आप मुझे बताइए सर, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और इनका कितना मूल होता है? जैसे अभी जनाब बता रहे थे कि बहुत फीस बढ़ाई है उसके प्रति और जबरदस्ती की जा रही है। पहली चीज़ मैं आपको बताना मांगता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं एक ईसाई हूँ। मैं ऐसे देश में हूं जहां पे स्वतंत्रता है, आजादी है हमें हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, और खासतौर से जब विद्यालय की हम बात करते हैं तो ये विद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है, सभी धर्मों का इक्वली सम्मान किया जाता है, उनके जो फेस्टिवल है बच्चों के बीच में सेलिब्रेट होते हैं ताकि बच्चों को आपस में एक रिलीजियस हार्मनी की फीलिंग और कल्चरल हार्मनी की फीलिंग डेवलप हो। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी कोई एक फेस्टिवल को लेके विवाद करना चाहिए। मुझे अफसोस लगता है इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं, खत लिखे जाते हैं। ठीक है अमित वर्मा जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपने तो सरकार चलाई है यूपी में, क्या ऐसा अलीगढ़ के आसपास स्कूलों में ऐसा हो रहा है जैसा कि अमित वर्मा कह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरीके की एडवाइजरी जारी की है? देखिए अपूर्व जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जो है वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएं। मेरी नॉलेज में तो कभी इस तरह से नहीं आया है कि धार्मिक तौर पर वहाँ कन्वर्जन कराए जा रहे हैं या जोर जबरदस्ती की जा रही है, और क्रिश्चियन स्कूल से क्यों? मैं तो कहूँगा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं वहाँ किसी भी तरह की ना तो बाध्यता होती है और ना बाध्यता होनी चाहिए कि आप ये त्यौहार मनाइए वो त्यौहार मनाइए। सारे स्कूलों में मेरी जानकारी में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, और यही हमारी जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है जो हमारे संविधान में, और हमारी सभ्यता का हिस्सा है, भारतीय सभ्यता का हिस्सा है कि हम सभी त्यौहारों को मनाते आए हैं, लेकिन बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जैसे अमित वर्मा जी कह रहे हैं कि बाध्य किया जा रहा है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और आपको दावे से कह सकता हूं कि जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वहां इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में भेजते हैं और वहां पर एडमिशन्स की आपाधापी रहती है, बहुत सारे लोगों के एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं। तो एक तरफ माँ बाप एडमिशन्स कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमित वर्मा जी कह रहे हैं वहां बाध्य किया जा रहा है, तो भैया फिर ऐसे स्कूल्स में भेजा क्यों जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि अगर आपको इतना ही खतरा है तो ऐसे स्कूल्स में आप भेजते क्यों हैं? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में लोग अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि क्रिश्चियन वहां पर कन्वर्जन करा रहे हैं। कितने लोग वहां पर क्रिश्चियन बन गए? वो एक सर्विस देने आए हैं, और मैं समझता हूं कि हेल्थ सर्विसेज में और एजुकेशन में जितनी क्रिश्चियन सर्विस देना शायद ही कोई दे रहा हो। संज्ञान में तो अभी तक ऐसा नहीं आया, नहीं तो आप इस पर जरूर कार्रवाई करते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस एडवाइजरी का क्या मतलब? कन्वर्जन की बात नहीं आ रही है, इसमें कन्वर्जन की बात नहीं आ रही है, बात ये आ रही है कि छोटे बच्चे को जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को छोटे बच्चे होते हैं और उनकी मानसिकता को जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है, जो लोगों को बताया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को बात भी किया जा रहा है,
नहीं है, तो जब वो बच्चे अगर पेरेंट्स उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद जब भी उनकी डायरी में बुक में लिख के आता है कि साहब आपको सेंटा क्लॉज लेके आना है, सेंटा क्लॉज खरीद के लाना है, क्रिसमस ट्री खरीद के लाना है, हम ये भी कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन त्योहार ना मनाएं, क्रिश्चियनों को तो अपना एक हमारा भारत देश राष्ट्र है जहाँ सबको स्वतंत्रता हर तरीके की स्वतंत्रता हासिल है, इससे अच्छा देश और अच्छा राष्ट्र कहीं दूसरे देखने को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बार बार यानी स्कूलों के माध्यम से देखें तो या इस तरीके से रहें तो ये चीजें क्या है, ये क्या बाध्यता क्या होती है, बाध्यता किस तरीके से रहेंगे, यानी जबरन तरीके से उन लोगों को प्रेशर दिखाएंगे, सभ्यता फैलाई जाएगी, ये बाध्यता वो होगी। राकेश त्रिपाठी साहब, ये तो कुछ क्रिश्चियन स्कूलों की बात कर रहे हैं, अमित वर्मा साहब, इस तरह की प्रेशर तरीके से और फीस बढ़ाकर अपने मनमाने तरीके से तो कई स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, तो क्या इसे इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि वहां धर्म परिवर्तन होने वाला है, बाध्य करते हैं, इसलिए भाई इस तरीके की एडवाइजरी जारी कर दो कि भाई क्रिसमस इसमें मत मनवाना हमारे बच्चों से, हमारे हिंदू बच्चे हैं सिर्फ हिंदू पर्वों के बारे में सीखेंगे, दूसरे धर्मों के बारे में त्योहारों के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे। कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस बात को दुख के साथ स्वीकार कर रहा हूं कि सरकारी विद्यालय अभी भी गुणवत्ता युक्त हर स्थान पर इतने उपलब्ध नहीं है कि लोगों को इस बात की च्वाइस मिल सके कि वो सरकारी शिक्षा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ले सके, ये दुख के साथ स्वीकार कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा जिस स्कूल में जबरन किसी भी तरह के किसी भी मद में फीस की वसूली हो, चाहे वो क्रिश्चियन के नाम पे हो, एनुअल फंक्शन के नाम पे हो, डेवलपमेंट फीस के नाम पे हो, तमाम तरह के अलग अलग फंक्शंस के नाम पे अलग अलग तरह के मद के नाम पे ली जाती हो। मुझे लगता है कि इसका मतलब पब्लिक से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। नहीं, ऐसा तो होता है, मैंने भी वही बात कही, लेकिन हम मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम एडवाइजरी पे बात कर रहे हैं, क्या इस वजह से एडवाइजरी जारी हो जानी चाहिए, समाज में दरार पैदा करने वाली एडवाइजरी जारी हो जानी चाहिए। अपूर्व जी अमित वर्मा जी ने बहुत स्पष्टता से समझा दिया है कि किस कारण से उनको एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, मैं उसकी पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश में तमाम कॉन्वेंट स्कूलों के द्वारा, पब्लिक स्कूलों के द्वारा जिस प्रकार से शोषण किया जाता है बच्चों का, उनके अभिभावकों का, उनको बाध्य किया जाता है अलग अलग मदों में फीस लेने के लिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार फीस नियामक के संदर्भ में एक अलग कठोर कानून लेकर के आ रही है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में तमाम निजी विद्यालयों की फीस को रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेकर के आ रहे हैं, उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना भी लगाएंगे, कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, वास्तविकता में अगर कोई नहीं मनाना चाहता किसी त्योहार को तो उसको बाध्य क्यों करेंगे, अगर वो नहीं चाहता है कि हम कोई क्रिसमस का त्योहार मनावे, उसके बिलीफ को खतरा पहुंचता है, बिलीफ हर्ट होते हैं, तो उसको बाध्य करके क्यों मनावे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और इस पर उन्होंने तो ये आप अभिभावकों पर छोड़ दीजिए ना, बच्चों पर छोड़ दीजिए, आप अमित वर्मा साहब आप अभिभावकों पर छोड़ दीजिए ना कि उनको मनाना है कि नहीं मनाना है, वो उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, संविधान ने उनको जीने का अधिकार दिया है सर। अपूर्व जी, सरकार को बीच में आना पड़ रहा है, मॉरल पॉलिसी फीस की बढ़ोतरी, फीस के अमित वर्मा जी तरह की जबरन है, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर जाएगा। मुझे मौका दीजिए, डिरेल करना चाहते हैं अपूर्व जी, मुझे मौका दीजिए, जिस तरह से कहा जी अब्दुल हफीज जी, किसी भी प्रकार की मुझे मौका दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी मेरे बयान को, राकेश त्रिपाठी जी आपत्ति नहीं, राकेश त्रिपाठी जी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को बाध्य करता है और विशेष करके छोटे बच्चों को बाध्य करता है तो आपत्ति जायज है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी भी तरह की आपत्ति करते समय कानून, अमित वर्मा जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसको जवाब दीजिए आप, कानून हाथ में नहीं ले सकता। जी एक मिनट मुझे दीजिएगा, अब्दुल सर आ रहा हूँ, 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 मैंने नहीं कहा, जवाब देने का पूरा मौका दूंगा सर, मैंने ये नहीं कहा डेवलपमेंट फीस नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, त्योहारों के नाम पर कभी भी इस तरह की वसूली नहीं होती, अब्दुल सर एक सेकंड, नहीं होती इस तरह की, एक सेकंड सर, आप सिर्फ अपना पॉइंट कह रहे हैं, आ रहा हूँ सर एक सेकंड, अमित वर्मा जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए जी। बताइए, मैं ज्यादा समझ नहीं पाया हूँ, थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया था और बीच में हमकी सवाल ये है कि आप ठेकेदार बन के इस तरीके की एडवाइजरी क्यों जारी कर रहे हैं, अगर अभिभावकों को लगेगा कि उनके पैसे वसूले जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती क्रिसमस का त्योहार मनवाया जा रहा है,
तो वो अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को रोकेंगे? आप कौन होते हैं ये एडवाइजरी जारी करने वाले इन सभी स्कूलों को कि क्रिसमस का त्योहार हिंदू बच्चों से मत मनवाना? आप दरार पैदा नहीं कर रहे समाज में? जिस तरीके से हमारे संगठन का नाम हिंदू जागरण मंच है, हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और हिंदू जागरण मंच के रिगार्डिंग हम हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, उसी तरीके से जब हमारे समाज में तो आप दरार पैदा करेंगे समाज में सर? हम हमारे समाज में जिस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं और लोग हमसे बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, आज उन लोगों के सामने जब समस्या का सामना करना पड़ता है, उनको उनके सामने समस्या पैदा होती है, जब वो एक अकेला आदमी वहां जाकर कुछ कहता है तो वहां कॉलेज प्रशासन के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा तमाम तो आप स्कूल प्रशासन के खिलाफ, आपकी सरकार है राकेश त्रिपाठी जी, आप बैठे हैं, आप उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करवाइए। ये कौन होते हैं आप बोलने वाले कि क्रिसमस का त्योहार मत बनवाना? आप जो शायद गलत फहमी हुई है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी ये बात कही थी। जी फादर, ठीक है, कि हमने क्रिश्चियन परिवारों को क्रिश्चियन इतनी आपत्ति हो रही है, जब ठीक है हमारे इन जैसे भाइयों के मेरे पास कम से कम 15 से 20 फोन आते हैं कि हमारे एडमिशन करवा दिए। मैं कह रहा हूँ भाई को बहुत आपत्ति है कि क्रिश्चियन स्कूल में इस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है, मुझे बताने दीजिए। जब एडमिशन टाइम होते हैं हमारे भाई जैसे ही 15 से 20-25 फोन मेरे पास आते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दीजिए। एक तरफ जैसे अभी एक और भाई हमारे बोल रहे थे, एक तरफ तो मारा मारी रहती है एडमिशन के, आप चाहते हैं कि ऐसे स्कूल बिल्कुल ऐसे एडमिशन चाहते हैं, उसके बाद तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। एक मौलाना साजिद रशीदी साहब जी, आपने सभी को सुना, आप क्या सोचते हैं ये इस तरीके की एडवाइजरी किस वजह से जारी की गई है? जो वजह बताई जा रही है, क्या वो वजह वाजिब लगती है? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ ये 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो ये है, ये जो एडवाइजरी जारी करने वाले हैं, इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर इनको हक नहीं बनता एडवाइजरी जारी करने का, वो उनके ऊपर छोड़ देंगे जिनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर इनके बच्चे पढ़ते हैं तो ये अपने बच्चों को वहां से हटा लें, अगर ये नहीं कर सकते पढ़ते, सुनिए, अगर पढ़ते हैं तो हटा लीजिए अपने बच्चों को, क्यों पढ़ा रहे हैं आप वहाँ ऐसे ही स्कूल में जहाँ धर्म परिवर्तन का खतरा है? नहीं, अगर आपको धर्म परिवर्तन का खतरा है तो आप हटा लीजिए ना वहाँ से, फिर आप सिफारिशें लेकर क्यों जाते हैं? दूसरी बात ये, सुनिए, अरे सुनिए, एक दूसरी बात ये है कि सरकार आपके पास है, कानून आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप कौन होते हैं भाई इस तरह की बातें करने वाले? आप कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले? आप सरकार के पास जाइए, आप कानून के पास जाइए, आप उनसे कहिए भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय दीजिए। हु आर यू? आप कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा हिंदू के नाम पर और वो धमकियां देना शुरू कर देगा ईसाइयों को और मुसलमानों को, ये देश में क्या चल रहा है? और राकेश त्रिपाठी जैसा प्रवक्ता बैठकर उनको प्रोत्साहन करेगा और ये कहेगा कि हाँ ये ठीक हो रहा है और ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, और उनको जी से बोला जाएगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि देश जा कहां रहा है? अगर इस देश के अंदर इसी तरह से ये कल्चर बढ़ता रहा, दीपक सिंह साहब के नाम कहां जा रहा है? किसी भी तरीके से आप दीपक सिंह साहब से बदल रहा है आपका रिएक्शन सर? दीपक जी ठीक है, मैं जा रहा हूं हिंदू जागरण मंच है कौन, इसके पीछे कौन लोग हैं? मुझे लगता है इन्होंने हिंदू के जागरण के लिए कोई काम नहीं किया हुआ बवाल छोड़कर। बेसिक फंडा ये है, कभी एक हिंदू वाहिनी नामक संगठन ने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करके अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया। हो सकता कोई इनके पीछे बवाल करने, वो भी लोग बवाल करते थे, बवाल करने के पीछे कोई इनका आदमी रहा हो। एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसका मतलब सरकार में एडवाइजरी जारी करने या ऐसे किसी चीज पर कुछ करने की बूता नहीं बचा, इसने अपना औरा खो दिया सरकार ने, क्योंकि ऐसे लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। देखिए ये बवाली लोग हैं, बवाल करके इनके पास काम करने कुछ होता नहीं है, बवाल करके बहुत बड़ी बात उन्होंने खुद ही कह दी, बोली हम इस तरह काम कर रहे हैं और हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसे विवादित चीजों करते हैं। अगर आपको आपत्ति है, तभी राकेश जी कह रहे थे कि मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, जबकि इनकी सरकार कहती है कि हम स्वेटर भी दे रहे हैं, हम जूते मोजे भी दे रहे हैं, भले दे नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार उससे बड़ा भ्रष्टाचार भी हो रहा है,
तो सरकार को आप चाहिए, आपकी सरकार व्यवस्था ठीक करिए, ऐसे बवाली लोगों को जेल भेजिए जो देश को तोड़ने का और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अशोक सिन्हा साहब, क्या समाज को तोड़ने वाली एडवाइजरी है ये? इससे समाज में दरार पैदा करने वाली एडवाइजरी देंगे अशोक सिन्हा साहब? एडवाइजरी जारी करेंगे नाकाम सरकार, सरकारें ऐसे लफंडर सामने आते हैं। ठीक है दीपक जी, अशोक जी आपका। मैं आपका प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाया हूँ। नहीं, क्या क्या इस तरीके की एडवाइजरी को, जैसा कि दीपक जी भी कह रहे हैं, मौलाना रशीद भी कह रहे हैं, समाज में दरार पैदा करने वाली एडवाइजरी ना मानी जाए? साजिद साहब से पूछिए कि क्या वो अपने बच्चे को वहाँ पर क्रिसमस मनाने देंगे? इन्होंने मदरसों में फतवा जारी किया कि यहाँ पर वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो क्या किसी ने आपत्ति की? आप ये सोचिए कि 2000 एनजीओ के धर्म परिवर्तन में लगे हुए थे, उनकी फंडिंग रोक दी गई। हमने आपसे कहा कि आप अपने बच्चे पढ़ाइए, एक भी एनजीओ आप क्यों पढ़ाते हैं वहाँ? हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं गया। पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? क्योंकि वो, अरे आप अपने बच्चों को लगे हुए थे धर्म परिवर्तन में, करते हैं वहाँ लोग। अरे हिंदू जागरण मंच जो है उसने तो आज आप जागरण खड़े है किसका जागरण का मंच कौन है, कौन जागरण का किया इन्होंने, हिंदू का कौन सा काम किया है मुझे? अपूर्व जी सवाल समझ नहीं आया, कंक्लूड कीजिए सर इस डिबेट को, क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए मुझे ये समझ आ रहा है कि हर किसी को आजादी है अपने पर्व मनाने की, लेकिन हाँ, कोई स्कूल जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर सब अपनी स्वेच्छा से कोई त्योहार मनाए तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी समाज का स्कूल हो, जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अगर सभी विद्यार्थी वहां मना रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का संगठन हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग बुलेटिन का हिस्सा बनने के लिए। सवाल लेकिन ये रहेगा कि आखिरकार हिंदू जागरण मंच की तरफ से क्या सोचकर और किस वजह से इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई? उनकी तरफ से मुद्दा कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर्दे के पीछे कुछ और नजर आ रही है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि सभी गेस्ट का कहना था कि आप थोप नहीं सकते, आप हिंदू के ठेकेदार नहीं बन सकते। अगर किसी अभिभावक का मन है कोई सा त्यौहार बनाने का, ये उसकी आजादी पर छोड़ देना चाहिए। आपको ठेकेदार बनकर इस तरीके की एडवाइजरी जारी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।